Assalamualaikum everyone, Bismillahir Rahman Rahim. Class 9th, exercise number 1.6, our subject is mathematics. Iska aaj hum solve kar rahe hain sum number 1 ka part 2. Sum number 1, use matrices if possible to solve the following system of linear equation by the matrix inversion method. Aur sum number iska 2 hoga, sum number 1 ka part 2 hoga. ठीक है, हमें दो इक्वेशंस दी गई हैं, 2x plus y is equal to 3 और 6x plus 5y is equal to 1. ये दो इक्वेशंस हैं हमारे पास. सबसे पहले हम इनको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, राइट करेंगे मैट्रिसेस की फॉर्म में. तो 2 1 6 5 x y और 3 1, तो इस तरह हमारे पास एक इक्वेशन बन गई, ax is equal to b, यानी कि x is equal to a inverse b. इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास बन गई, इक्वेशन नंबर 1 x = a इनवर्स b. तो अब इससे हमें मालूम हो कि a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू क्या है, वो हमने मैट्रिसेस को नाम दे दिए. अब क्योंकि a इनवर्स मालूम करना है, तो सबसे पहले हमें उसका डिटरमिनेंट, 5 टू द 10, 6 1 द 6, तो 10 में से 6 गए तो 4, नॉट इक्वल टू 0, तो ये एक क्या है, नॉट सिंगुलर मैट्रिक्स, तो हम कहेंगे इसका सॉल्यूशन पॉसिबल है. तो ए इनवर्स का फार्मूला पुट किया, ए एडजॉइंट ए ओवर ए डिटरमिनेंट. सबसे पहले एक एडजॉइंट लेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स डायगोनल एंट्रीज की जगह तब्दील कर देंगे और नॉन डायगोनल एंट्रीज की के साइन चेंज कर देंगे और उसको ए के डिटरमिनेंट से डिवाइड कर देंगे. तो 1/4 * 5 -1 -6 और 2, तो इस तरह हमारे पास ये a इनवर्स आ जाएगा. जब हमने इसको डिवाइड किया 4 से, 5/4 एज इट इज, -1/4 एज इट इज, 6/4 है तो -3/2 आ जाएगा, 2/4 है तो 1/2 आ जाएगा. तो इस तरह ये मल्टीप्लाई करके हमने इसको सिंपलीफाई कर लिया. ये हमारा आंसर आ गया किस चीज का, a इनवर्स का. ये आंसर किस चीज का है, 5/4 -1/4 -3/2 1/4, ये a इनवर्स है. अब पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 क्या थी, x is equal to a inverse b. वैल्यूज पुट की, वैल्यूज पुट करने के बाद अब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 5/4 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस -1/4 मल्टीप्लाई बाय 1 -3/2 मल्टीप्लाई बाय 3 और +1/2 मल्टीप्लाई बाय 1. तो मल्टीप्लाई करते हैं, 3/5 = 15/4 -1/4 -9/2 और +1/2. जी अब तो अब क्या करेंगे, अब लेंगे हम इनका एलसीएम, 4 एलसीएम आ गया, तो 15 -1/4 -9 + 1/2 दोनों का एलसीएम ले लिया, तो 15 में से 1 गया 14/4, तो ये हो गया 7/2 और 2 4 = 8 -4. तो अब एक्स वाई आपको पता है कि हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज ले लेंगे 1/1, ठीक है, और x is equal to 7/2 और y is equal to -4. तो जी हमारा सम मुकम्मल हो गया, सेकंड पार्ट था सम नंबर 1 का, 1.6 का. सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़.